बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्ला किचन में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और आज मैं स्वीट डिश लापसी बना रही हूँ। अच्छा, लापसी बनाने के लिए हमने आधा किलो लापसी ली है, उसके लिए आधा किलो शक्कर है और ये गोवर्धन घी है, जितना लगता है उतना ले सकते हैं। और ये बड़ा एक नारियल, उसका दूध निकाला हुआ है। ये नमक है, स्वाद अनुसार नमक लेने का। और ये इलायची है और ये जाफरा ने भिगो के रखा हुआ है और ये क्रश बादाम पिस्ता है और ये किशमिश है। सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं। और उस इतना घी डाल देंगे जब तक पूरा लापसी भीग न जाए। घी जैसा ही गर्म होता है उसमें इलायची डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम लापसी डालेंगे। लापसी हिलाते रहेंगे और लापसी में घी देखेंगे कितना डाला हुआ है। पूरी लापसी भीग जाए इतना घी डाल सकते हैं। पंद्रह बीस मिनट तक लापसी हिलाते रहने का, जब तक खुशबू न आए तब तक भूनते रहना। लापसी ब्राउन होने तक बारीक गैस पर भूनते रहने। हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लापसी ब्राउन हो गई है और अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें दूध डालेंगे। लापसी भुनने के लिए आप असली घी भी ले सकते हैं और सादा घी भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाह। आधा किलो लापसी में एक बड़ा नारियल लो तो एक बड़े नारियल का दूध लगता है इसमें। और ये आधा किलो शक्कर है। हम नमक डालेंगे। और इसमें जाफरान डालेंगे जो भिगो के रखा हुआ है। और थोड़ा कलर आने के लिए फूड कलर डालेंगे। बॉयल आने तक बीच बीच में हिलाते रहने का। और अच्छा बॉयल आने के बाद उसमें बादाम पिस्ता डालेंगे। हमारी हलवा पक रही है, इसमें बॉईल आ रहा है और सूखना बाकी है, लेकिन तब तक हम बादाम पिस्ता डालेंगे। वापस बारीक गैस पे पकने के लिए रखेंगे और जब तक सूख ना जाए तक हम दम पे नहीं देंगे। जब सूख जाएगा तब हम उसमें किशमिश डालेंगे और दम पे रखेंगे। हाँ देखिए, अभी हमारी हलवा सूख गई है। अभी हम इसमें किशमिश डालेंगे और दम पे देंगे और 10 मिनट के बाद गैस ऑफ करेंगे। तकरीबन आधे घंटे तक हमने बारीक गैस पे हलवा को रखे थे और बीच बीच में दो तीन बार चम्मच हिलाते रहे। माशाल्लाह हमारी हलवा हो गई है। दस मिनट हो गए, हम ढक्कन निकालते हैं। हमने हलवा दम पे दिया, हम ढक्कन निकाल रहे हैं। आ गई है, हमारी हलवा तैयार है। हम इसको प्लेट में निकालेंगे, सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाह।
उसके ऊपर बादाम पिस्ता गार्निश के लिए डालेंगे, थोड़ा खसखस डालेंगे। लापसी बन के तैयार है। ये रेसिपी ट्राई करना और ज़रूर कमेंट्स करना, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जजाकल्ला खैर।